सब लोग बोलेंगे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षु उन्मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम कितने लोग थे आप में से लास्ट सेशन में? अच्छा कुछ नहीं भी थे। ओके हम लोग लिसनिंग स्किल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, और सुनने के स्किल को हम लोग सिखा रहे थे कि कैसे हम सुनना चाहेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ आगे चौक है आया आ रहा है कुछ छोटा मोटा भी चालू कर लें ऊपर है कहाँ है कुछ भी देखो यार हरे हरे एक आध पीस देखो नहीं लॉक है चौक फेंक के मारा रहेगा इधर उधर फेंका हुआ। जो एम्पैथी है आज किसी भी फील्ड में सक्सेस करने के लिए एंड मेडिकल फील्ड भी एक कॉमन एलिमेंट है सीखने के लिए, वो है लिसनिंग स्किल्स। आप कितना अच्छा सुन पाते हो। थर्ड ईयर में कितने हैं? थर्ड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स एक ही हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ज़्यादातर है। आप लोग इंटर्न्स हैं। ओके एक जो इंटर्न है उनको समझेगा, थर्ड ईयर वालों को भी शायद समझे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले थोड़ा शायद न समझे। एक डीडी होता है। डीडी डीडी क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या होता है वो? हाँ हाँ
मान लो कि दांत से खून आ रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसके कारण दांत से खून आता है? स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड फैक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी ने उसको दे दवा दब दिया होगा उसे भी दांत खून तो उससे भी आ सकता है ना। कुछ तो भी, कोई भी एक पायरिया हो सकता है, कुछ भी स्कर्वी हो सकता है, 50 चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है ना। अब ये मैं 20 साल पहले से याद करके बोल रहा हूँ तो सब याद नहीं आने वाले, 2-4 आ रहे हैं बहुत है। तो ये जो जितना आप सुनने के स्किल पे जितना आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम को समझ पाओगे, और बिना प्रॉब्लम को समझेगा सॉल्यूशन पे उतरोगे तो कभी सॉल्यूशन पे ले ही नहीं पाओगे। एकदम कॉमन फंडा है, या तो आप प्रैक्टिस में रखो, पर्सनल लाइफ में रखो, कहीं पर भी लिसनिंग स्किल्स तुम्हारे बहुत काम आने वाली। तो पहला है कि प्रॉब्लम को कैसे समझें, तो इसको कहते हैं इम्पैथिक लिसनिंग, बहुत कॉमन टर्म है। इसमें क्या बोलते हैं कि सामने वाले के इमोशंस को समझने का प्रयास करना और उसको पहचानना। लास्ट टाइम हमने एक दो केसेस लिए थे, ठीक है, वो लोग शायद नहीं दिख रहे हैं आज, हैं एक है, कोई भी आप एक समस्या बताइए, उसमें हम लोग इमोशंस को पहचानने का प्रयास करेंगे, और जैसे आप इमोशंस को पहचानने का प्रयास करेंगे सामने वाले को हेल्प होगा कि लोग मुझे समझ रहे हैं, वो थोड़ा कूल डाउन होगा, वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेगा। ये हम पहला टेक्निक सिखाए थे लास्ट टाइम। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम सुनाएं तो मैं उसका नेक्स्ट स्टेज दिखा कर देता हूँ। कोई भी एक प्रॉब्लम सुनाइए जो हो सकता है रियल हो, और उसमें आपके प्रॉब्लम के साथ जुड़े इमोशंस को समझने का हम प्रयास करेंगे, और वो समझते ही आपका दिमाग खुद ही चलना चालू हो जाएगा आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। हरे कृष्णा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है तो अच्छी बात है, फिर नो प्रॉब्लम देन फाइन। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में आपको एक हेल्प हो सकता है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। हम सॉल्यूशन नहीं देने वाले, सॉल्यूशन जब आप सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि इमोशंस के साथ आप ना डाउन हो जा रहे हो। माइंड जो है एक चाकू के जैसा है, चाकू अच्छा है कि बुरा है डिपेंड करता है किसके हाथ में है ना, किसके हाथ में उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाकू थोड़ी अच्छा और बुरा होता है ना, किसके हाथ में उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, है ना, राइट। सर्जन के हाथ में तो सर्जरी कर रहा है ना, फॉरेंसिक वाले के हाथ में तो वो ऑटोप्सी कर रहा है। चाकू अच्छा बुरा थोड़ी है ना, और फर्स्ट ईयर वाले के हाथ में है तो मस्खरी कर रहा है, वो जहाँ नहीं काटना वहाँ भी काट के देख रहा है, काट के पैच मार दे रहा है और चुपचाप घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा किसी को, है ना। चाकू अच्छा बुरा नहीं होता। वैसे माइंड जो है, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम जितना उसको यूज करना सीखोगे वो तुम्हारे लिए काम आएगा, चाहे अपना माइंड हो चाहे दूसरे का माइंड हो। और अगर अपने माइंड से सीखोगे तब तो दुनिया में किसी का माइंड भी यूज कर सकते हो, और अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे के माइंड को कभी समझ ही नहीं पाओगे। कई बार लड़ाइयाँ क्यों होती है पता है, लोगों के बीच के रोल्स क्लियर नहीं होते। अपना मेरा क्या रोल है इस रिलेशन में वो क्लियर नहीं होता, रोल आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होते, और इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है। जब एजम्पशंस होते हैं तो लड़ाइयाँ होती है, जिस रोल में एजम्पशंस होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ होती है। शादियाँ बहुत लंबी होती थी पहले के ज़माने में, 2 दिन चलता था, 3 दिन चलता था, एक छेका, फिर गिढ़ारी, फिर तिलक, फिर क्या, आखिरी में 2 दिन का शादी होता था। और आजकल शादी कितने दिन की होती है, बस फास्ट फॉरवर्ड होता है। वो क्या करता था, जो पुजारी होते थे क्या करते थे, वो बताते थे कि तुम लड़की का तुम्हारा रोल क्या है लाइफ में, लड़के का तुम्हारा रोल क्या है, और एक एक रोल को बुला के दोनों को जो है प्रॉमिस दिलवाते थे। तो उससे उसका लाइफ का एक क्लियर होता है कि मेरे रोल्स हैं ये सब। रोल क्लियर करना बड़ा कड़वा लगता है, जैसे आप कॉलेज पहले दिन आते हो ना तो एक ओरिएंटेशन सेशन होता है,
अगर ओरिएंटेशन नहीं हो, बोले कि नहीं नहीं अब कॉलेज में आ ही गए तो क्या ओरिएंटेशन देना है भाई, रहो आराम से, जिधर रहना है रहो, जिधर खाना है खाओ, कैसा होगा फिर? फिर कैसे चलेगी दुनिया? जैसे तैसे है ना। लेकिन जब रोल क्लियर करते ना, नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज एंड यू आर सपोज टू बिहेव इन द वे वी वॉन्ट यू टू बिहेव, यू बी कमिंग विथ एप्रन, यू शुड हैव योर ग्लव्स व्हेन यू एंटर इन द लैब एंड वी आर लिविंग द लैब, द नॉर्म्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद जब आप ओह ओके नाउ आई एम ओके बॉय ऑफ दिस कॉलेज ओके ओके, तो आपके अंदर एक ईगो क्रिएट होता है। उस ईगो के साथ जब आप चलना चालू करते हो ना, आप इस कॉलेज में बड़े अच्छे से रह पाते। लेकिन अगर ये रोल क्लैरिफिकेशन नहीं होता शुरू में, तो सारे प्रॉब्लम्स आगे 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 चलते रहेंगे। और मैरिज में अक्सर लड़ाइयाँ इसलिए होती है और कि पति और पत्नी के बीच में रोल क्लैरिफिकेशंस नहीं रहते, दोनों को अपेक्षाएं जो हैं कुछ ज़्यादा ही रहती है एक दूसरे से, वहाँ लड़ाइयाँ इसलिए हो जाती है। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में भी रोल क्लैरिफिकेशन नहीं रहते, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती नहीं होते। पेशेंट्स नहीं होते डॉक्टर्स के साथ खफा होते हैं ना, मेडिको लीगल केसेस हो जाते हैं ना, होते हैं ना, रोल क्लैरिफिकेशन नहीं होता ना टाइम पे। रोल को क्लैरिफिकेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इमोशंस को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपने लाइफ में इमोशंस काम करते हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम बता सके तो ठीक है, मैंने पिछले बार एक प्रॉब्लम बताया था, कोई भी बता सकता है, कोई भी प्रॉब्लम बता सकता है, एनी प्रॉब्लम। और अभी हम अभी का अभी उसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, इमीडिएट एनी प्रॉब्लम विल सॉल्व इट नाउ। आप बोलेंगे इतना बड़ा चीज़ कैसे हो सकता है भाई, मैं बांग्लादेश गया था, मैं अपने एक एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पर मुस्लिम कंट्री हो और मैं एक हिंदू मॉन्क हूँ, जब वहाँ पहुँचा तो मुस्लिम विलेज में गया था, मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम विलेज, और वहाँ पे सारे मुस्लिम लोगों को पता चला कि एक बाबा आए हैं, भारत के बाबा, और डॉक्टर भी थे। तो वो लोग एक पोलियोमेलिटिक एक पेशेंट थी, लड़की थी, उसको लेके आए कि बाबा इसको चला देंगे। हम कहे यार बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं बाबा के ऊपर बाबा को लड़की चलानी है, गाँव पूरा खड़ा है, तमाशा पूरा बनने वाला है। मैं बोला भाई कहाँ आ गए भाई बहुत डीप मैं सोचा, कंटेम्पलेट किया, प्रेयर किया, गांव के सब लोग जुड़ गए। वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती, सब बंगाली, उसकी जो मम्मी है खाली वो उसको हिंदी आती है, तो उसको ट्रांसलेटर रख लिया मैं, और मेरे को जितना बंगला आता था टूटा फूटा मैंने बोलना चालू किया। मैंने बोला इसी से मैं काम किया, आई वर्क ऑन दिस सेम थिंग। इमोशंस लोगों के क्या है, देखो सिचुएशंस और इमोशंस को अलग करने का पहले समझो कैसे होता है। मैंने बोला पता है अल्लाह ने दुनिया बनाया किस लिए, कि हम अल्लाह से प्यार करें। और आप सब अल्लाह से प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कैसे पता चले? तो अल्लाह ने आपकी परीक्षा ली कि आपने अल्लाह से कितना प्यार किया है, इसलिए ऐसा एक व्यक्ति भेज दिया है कि इसको अगर तुम प्यार कर सकते हो तो तुम्हारा अल्लाह से प्यार है, अगर इसको नहीं कर पाए तो तुम उसे प्यार नहीं करते हो। इसको अगर जो आप जो प्यार कर सकेगा अल्लाह से प्यार कर रहा है, नहीं तो अल्लाह से प्यार कोई नहीं कर रहा, सब दिखा हुआ है। ये कहना था उसकी माँ ने उसको गोद उठाया, चाची मामी खाला वाला जो भी थी सब पूरा गांव उसको गोद उठाने लगा, सब उसको प्यार करने लगे, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, क्या उसको पैर ठीक किया? पैर ठीक नहीं किया मैं, पैर अगर मेरे पास शक्ति रहता तो मैं कर ही देता था, लेकिन वो डिवाइन डिविनिटी मेरे पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक चीज़ ज़रूर है, लोगों का दिक्कत कहाँ है भाई, प्रॉब्लम लोगों को कहाँ से हो रही है ना, प्रॉब्लम लोगों को इमोशंस में हो रहे हैं। लोगों को पोलियो नहीं हुआ है, उस लड़की को हुआ है, और लड़की की तरफ जो देखने का परसेप्शन जो नज़रिया है लोगों का वो गलत हो गया है। वो अगर चेंज होगा तो सारा ठीक हो जा रहा है वहाँ पे,
समझ रहे हो, वो एक मेडिकल केस है जो पैर मेडिकल से ही ठीक होना है, समझ रहे ना। अगर मेडिकल साइंस उसको ठीक नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके अब बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो एक रियल सिचुएशन है जहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम है और आपके पास रियल में सॉल्यूशंस निकालने होंगे। जैसे कि एक बार एक केस है, एक रियल केसेस हैं सारे। एक लड़की, लड़की मतलब होगी मेरे ख्याल से लेट 20s, मतलब 26-27 ऐसे ईयर्स की होगी। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, फॉरेन की घटना है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि शाम के 6 के बाद आप मत रुकेगा कॉलेज स्कूल में, इट्स नॉट सेफ। लेकिन उसको पेपर चेक करना था, वो रुक गई थी। जब वो रुक गई तो सम हुडलम, हुडलम मतलब क्या बोलेंगे उसको, कोई तो फांद के आ गया कॉलेज स्कूल के अंदर, आया और इसको देखा, तान दिया, रिमूव योर क्लोथ्स। पिछले बार मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, वो टेक्निक लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझेगा नहीं मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन है। पहला चीज़ आपको करना है, किसी भी सिचुएशन में फीलिंग्स को पकड़ना है। बताया था, एक दूसरा करना है वैल्यूज को पकड़ना है, ठीक है। तीसरा है बॉस देन, अरे वाह। और चौथा है रिक्वेस्ट। वो जो लड़की थी उसने ये टेक्निक्स निकाले, मतलब उसने सीखे थे कहीं से। उसने बोला, लड़की ने बोला, आर यू पिस्ड ऑफ। अब ये इंग्लिश जार्गन है, हिंदी में इसका मतलब कुछ ऐसे निकलेगा कि क्या तुम आज ये करके मानोगे, ठीक है। बोले यस आई एम पिस्ड ऑफ, मेरे को करना ही है, आई वॉन्ट टू रेप यू, ये बोल रहा है, ठीक है। लड़की ने बोला आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग स्केर्ड, कैन आई डू समथिंग एल्स फॉर यू, गिव मी योर पर्स। दे दिया निकाल के, उसने पैसे निकाले, बचा पर्स फेंक दिया उसको, एनी लेफ्ट। आपको लग रहा होगा कि बड़ा अजीब सा चीज़ हो रहा है, नहीं। अभी कोई आप प्रॉब्लम बताइए, मैं इधर करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। राइट अवे आई कैन शो यू कि कैसे इतना पावरफुल प्रोसेस है, कितना पावरफुल टेक्निक मैं अभी का अभी करके दिखा सकता हूँ। इतना पावरफुल टेक्निक है, किसी के माइंड को आप प्रैक्टिकली प्ले कर सकते हो, इतना पावरफुल टेक्निक है। क्या क्या लड़की ने, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला चीज़ उसने किया, उसके फीलिंग्स को पकड़ा सामने वाले लड़के के, आर यू पिस्ड ऑफ, बोला यस। जैसे उसने यस बोला ना, उसका आधा एनर्जी कम हो गया, उधर ही हार गया वो। उसने कन्वर्सेशन चालू किया ना, बातचीत चालू किया ना, जैसे उसने उसकी जो वो एनर्जी थी ना कि मेरे को रेप ही करना है आज, उसका पावर 50% तो तभी ख़त्म हो गया जैसे उसने पहला लाइन बोल दिया। अपनी फीलिंग बोलते ही तुम अपने माइंड को एक्सपोज कर रहे हो सामने वाले को, समझ रहे हैं, और मन से ही तुम्हारा बॉडी कंट्रोल हो रहा है। उसने जैसे एक्सपोज किया कि मेरे मन में ये है, आधा ताकत वहीं कम हो गया उसका। फिर लड़की ने बोला आई एम फीलिंग स्केर्ड, लड़की ने अपना माइंड बताया, ये सुन के उसका और आधा ताकत कम हो गया, समझ रहे, ठीक है। उसके बाद लड़की ने बोला कैन आई डू समथिंग एल्स फॉर यू, वो रिक्वेस्ट किया उसने, ठीक है। इतने में उसको जो है ना घंटी बज गई उसके दिमाग की। अब ये नहीं, जरूरी नहीं कि यही करता हो, फिर भी वो रेप कर सकता था। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ काम करती है ऐसे ही, लेकिन 100% और कौन सी चीज़ काम करती है सो तो बताओ। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो 100% काम कर जाए, है कोई चीज़? फिर तो 100% तो एक तुम भी भिड़ाओ, ए देख मेरे पास AK-47 है, ठीक है। लेकिन हमेशा तो आप लेके नहीं हूँ उसको, ये फिल्म थोड़ी है,
कि फिल्म दिखाता है कि अरे अरे एक रील्स में दिखाते हैं कि एसडीएम कोई बन गया तो किसी को हंसी उड़ा रहा है और वो जो है डीएम की वाइफ निकली। अरे भाई ये लाइफ है, ये रील नहीं है, ये रियल लाइफ है, रील का लाइफ नहीं है, है ना? फर्क होता है ना रियल लाइफ में और रील में। रियल लाइफ में रियल सिचुएशंस होते हैं, रियल में होता है क्या ऐसा सिचुएशन कि तुमको तुम ऐसे देखे तुम बेवकूफ़ देख रहे हो, थ्री इडियट टाइप, और एंड में तुम हीरो बन गए, ऐसा होता है क्या रियल में? कहीं रियल में नहीं होता है सब चीज़ें। रियल लाइफ के हीरो कौन होते हैं? जो रियलिस्टिक होते हैं, समझ रहे, जो रियल में, जो ज़मीन में जीना जानते हैं। ये टेक्निक्स तुमको रियल लाइफ के हीरो बनाएंगे, रील के हीरो नहीं, है ना? कैसा था स्टोरी लड़की वाला? हाँ, पावरफुल है ना? कुछ चेंज है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हर बार ही लगेगा ऐसे ही, लेकिन रियल लाइफ में 90% इज मोर देन एक्सपेक्टेशन, याद रखो। 90% सिचुएशन अगर चेंज हो रहे हैं लाइफ में, मोर देन एक्सपेक्टेड, और जो 100% प्लीज़ कैन लीव दिस क्लास। अगर आप सोच रहे हो 100% में टेक्निक्स काम करेंगे, आप एक गलत जगह आए हो। आप चले जाओ कहीं पे कट्टा वट्टा वाला प्रैक्टिस करो जाके, उधर आपके लिए वो सब जगह है, वो 100% लगेगा, उसमें भी 100% नहीं लग सकता। उसके आपसे बड़े कट्टे वाले निकालेंगे ना, गुड्डू भैया आ जाएंगे, है ना? आपसे बड़े मिलेंगे ना, आप निकालोगे तो आपसे बड़े वाले निकालेंगे, तो उसमें भी 100% तो कोई नहीं है दुनिया में जिसको बोल दे कि मेरा 100% मेरा ही चलता है कोई ऐसा? है, तालिबान आया तो उसके ऊपर अमेरिका आ गया, उसके ऊपर पाकिस्तान बैठा, उसके ऊपर मोदी बैठ गए, अब मोदी के ऊपर जनता बैठ गई, और जनता पता नहीं किधर चली जाए। तो हर के ऊपर कोई है ना, राइट? कोई भी टेक्निक 100% हर जगह नहीं लग सकती है। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप प्रायः सिचुएशंस में आप काम कर लोगे। अगर आपका 10% सक्सेस है तो 70-80-90% तक पहुंच सकता है, इतना ही आप पहुंच सकते हो। 100% जो करना चाहते हैं, प्लीज़ दिस क्लास इज़ नॉट फॉर 100%। ये क्लास है कि आपको एक लेवल से एक लेवल तक पहुंचा देगा। जो एक बार क्या हुआ, IMA है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ पे डॉक्टर्स की मीट थी और सवाल पूछा गया कि कितने डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट रिफ़र करते हैं, समझ रहे हैं आप? पेशेंट रिफ़र करना, आपने पेशेंट रिफ़र कर दिया, मेरे से ठीक नहीं हुआ, सच एंड सच केस, प्लीज़ देखिए, दूसरे डॉक्टर ने देखा, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो फिर उसने सवाल दूसरा किया, हाउ मेनी ऑफ यू गेट रिफर्ड पेशेंट्स? सब ने हाथ उठा दिया। अच्छा, ये कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये कैसे हो सकता है बताओ? कोई रिफर कर ही नहीं रहा, सबको रिफर्ड पेशेंट से कैसे आ रहे हैं फिर? भूत तो रिफर नहीं कर रहा है, डॉक्टर लोग ही तो कर रहे हैं ना, भूत रिफर कर रहा है क्या तुमको? फिर कौन रिफर कर दे रहा है? मतलब ये है कि अपनी हार स्वीकार नहीं है, अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही, केवल अपनी जीत स्वीकार हो रही है, हार स्वीकार नहीं हो रहा, ठीक है? हारना स्वीकार करना जो है ना, बड़ा कठिन काम है। जो रियलिस्टिक है ना, अपनी हार को स्वीकार करना सीखेंगे। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे ना, बहुत बड़ा लेसन सीख जाओगे लाइफ में। और मॉडर्न एजुकेशन में कहीं भी ये सब चीज़ सिखाते नहीं है कि प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे डील करते हैं और हार को कैसे फेस करते हैं। जीत को फेस करना सब सिखाते हैं कि जीत कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, पार्टी कैसे मनाया जाता है, जीत को सेलिब्रेशन है। लेकिन आप कितने बार जीतेंगे और कितने बार हारते हैं? ज़्यादा जीतते हैं कि ज़्यादा हारते हैं? अगर हारना ही नहीं सीखा है तब तो ज़्यादा टाइम तो आप दुखी रहोगे, नहीं रहोगे ना? तो ये लाइफ बहुत प्रैक्टिकल पे चलता है और मूवीज़ आइडियलिस्टिक्स पे चलती है। मूवीज़ का कोई राइटर होता है, वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है उसको बनाने के लिए, है ना? रील्स बनाने वाले एक पर्टिकुलर लोग होते हैं वैसे बनाने वाले, रियल लाइफ वैसे नहीं चलता है। रियल लाइफ के हीरो कौन लोग हैं? जो रियलिस्टिक हैं, है ना, जिनके ऊपर मूवीज बनता है, लेकिन वो मूवीज नहीं रहते। धोनी पे मूवी बनी है, धोनी ने मूवी बनाया क्या? एक्टिंग उसने खुद किया क्या? नहीं ना, समझ रहे हो ना?
और बड़े बड़े लोग जिन पे तो जिनके तो आप मतलब उनके तो मूवीज भी नहीं बनी है, मान लो कि ऐसे भी लोग हैं इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी, तो हीरो नहीं है वो लोग, वो हीरो हैं कि नहीं है ना? फिर रियलिस्टिक लोग हैं ना, एकदम रियलिस्टिक ग्राउंड पे एकदम ग्राउंडेड लोग हैं, एकदम ग्राउंडेड लोग हैं। और उसका एक चीज एक लीडर के अंदर जो होना चाहिए वो है इमोशनली स्मार्ट, और उसको बनाने के लिए ये टेक्निक है। पहला चीज़ है कि इमोशंस को पकड़ना सीखिए, सामने वाले के फीलिंग्स को, इमोशन और फीलिंग एक ही चीज़ है, फीलिंग्स को। जैसे ही कुछ सिचुएशन हुआ उसके फीलिंग को और अपने फीलिंग को जैसे आप बोलोगे ना, आधा एनर्जी तो दोनों का ऐसे ही कम हो जाता है। अब आप कोई प्रॉब्लम बोलो, मैं उसमें एक करके दिखाता हूँ, चारों पॉइंट्स करके दिखाता हूँ, और आपको दिखेगा कि सॉल्यूशन दिख रहा है, और आप खुद ही निकाल लोगे कि क्या सॉल्यूशन है उसके बाद। बहुत बड़ा चीज़ है। अब मैं एग्जांपल्स बार बार के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे आपका ज़्यादा भला नहीं होना। अगर आप अपने एग्जांपल दोगे तो ज़्यादा काम आ जाएगा। एकदम मैजिक इन योर आई, इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सामने सामने मैजिक दिखेगा आपको होते हुए, ठीक है। मजबूत है ना, बैठ सकते हैं। ओके, हरी हरी। टाइटेनिक नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। एनी प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स, फीलिंग टू हाई, गुस्सा बहुत आता है, इनके क्या है फीलिंग्स? खुद ही कह रहे हैं, है ना? थोड़ा खोदते हैं, ठीक है, अगर इनके गुस्से का रियल रीज़न मिल गया, है ना, अगर इनके गुस्से का रियल रीज़न मिल गया तो ही विल गेट इनटू एक्शन। क्या कारण से गुस्सा आता होगा? गुस्से से आपको क्या हो रहा है? गुस्से से आपको दिक्कत क्या है? गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है? बस 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 बस, रुक जाओ, इसके आगे मत बोलो। अब आप लोग बता सकते हैं कि फीलिंग और वैल्यूज पे क्या क्या है? आप लोग का टेस्ट है, अब क्या फीलिंग हो रही है इसको और क्या वैल्यूज हो रहे हैं? फीलिंग क्या है? पहले फीलिंग पे बात करते हैं। हाँ, फीलिंग क्या है? एंगर है, ठीक है, और कुछ फीलिंग में हो सकता है? फीलिंग का, हाँ हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, उस फीलिंग को क्या कहते हैं? उस फीलिंग को क्या कहेंगे? डिवैल्यूड। डिवैल्यू फील कर रहे हो, डिवैल्यू फील हो रहा। जैसे ही आपने सही फीलिंग पकड़ा ना, उसका चेहरे से चमक बढ़ेगा, आप देखना चेहरा पे उसका अलग ही एक्सप्रेशन आ जाएगा तुरंत। अब मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, अगला जो बोलना चाहता है ना, सामने आ जाओ, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, तो लोग आपको देख सकेंगे, ठीक है, और शर्माओगे तो फिर काम नहीं बढ़ेगा। उस फीलिंग के बाद इसका वैल्यू पकड़ते हैं, इसके वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज, वैल्यूज, हाँ हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन बहुत क्लोज हो आप, लेकिन उससे भी और क्लोज चाहिए, इतना क्लोज नहीं पहुँचा है। हाँ, इसका वैल्यू क्या है? क्या, किस चीज को वैल्यू कर रहा है यहां पे? एक वर्ड है बस। हाँ, नहीं, हिंदी बोलो, अगर नहीं तो मैंने, नहीं, मैंने जो किया तो तुम भी करो, मैंने किया तो तुम भी करो, मैंने किया तो तुम भी करो। हाँ, कौन बोला? थैंक यू, क्या नाम है? ऋषभ, थैंक्स। तुम्हारा वैल्यू सिस्टम क्या है? रेसिप्रोकेशन है ना, हम किए तो तुम भी करो ना। दो पॉइंट पकड़ लिया हमने, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, पहुंच, छोड़ दो इसको, अब इसको खुद सोचने दो ना, अब मैं निकालता हूँ आंसर इससे।
ठीक है, तो क्या करना चाहिए अल्टरनेटिवली, क्या करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं कि आंसर निकाल ही पाए हम। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% काम नहीं करेगा, 100 में से 90 केस काम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन 90 बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। क्या करना चाहिए, ठीक है, एक सॉल्यूशन तो खुद है इसके पास, ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ देने से काम नहीं चलता ना। दुनिया में किसके किसको छोड़ोगे? लेकिन सबको छोड़ तो नहीं सकते ना। ठीक है, मतलब दो चार से तुम्हारा जीवन चल ही जा रही है, तो उससे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन, ठीक है। हरे कृष्णा, ओके, हम एक कंक्लूजन तक आ गए यहाँ पे। और कोई प्रश्न है, और कोई प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, और अगर आप सामने आना चाहोगे तो अति उत्तम, और नहीं बैठ के बोलना चाहो तो भी मध्यम, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम इन रियल? हाँ बोलिए। प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से फ्री है कोई यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, और करेज चाहिए, गट्स है बोलने के लिए, ठीक है, वो गट्स होना चाहिए कि वे बोल सके ये प्रॉब्लम है। हाँ, लूजिंग रिस्पेक्ट अमंग पीयर ग्रुप्स, ये आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ओके, क्या फीलिंग है इनका बता सकता है कोई? आप सामने आएंगे इफ यू डोंट माइंड? ठीक है, हाँ, सो इस प्रॉब्लम इज लूजिंग रिस्पेक्ट इन द पीयर ग्रुप्स, क्या फीलिंग हो सकता है, आप लोग गेस करिए। इनका प्रॉब्लम है कि इनके पीयर, इनके जो इक्वल्स हैं, जो समान हैं, उनके बीच में इनकी, इनका जो इज्जत है वो ख़त्म हो रहा है। इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स को बताइए, क्या फीलिंग के साथ गुजर रहे हैं? रिजेक्शन, डिजेक्शन, डिजेक्शन, आंसर इनके पास है, मेरे पास नहीं। मैं खाली उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ से आप लोग सीखो कि भाई कैसे निकालते हैं, सामने वाले से आंसर कैसे निकालते हैं। डिजेक्शन है, नहीं हुआ है, पूरा 100% भिड़ा नहीं, 100% भिड़ते ही एकदम अलग डिफरेंस दिखने लगेगा। कोई और? डिवैल्यूड टू सम एक्सटेंट है, पंच नहीं मार रहा। कंफ्यूजन है? नहीं है, नहीं नहीं, मैं बोल रहा इसलिए बोलना नहीं है आपको, जो अंदर से पूछो तुम्हारे अंदर क्या आंसर है। नहीं है, नहीं है, ठीक है, मैं जानबूझ के एक आध गलत आंसर डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। क्या हो सकता है फीलिंग? मसल्स बनाओ अपने, इमोशनल मसल्स को स्ट्रांग करो थोड़ा, क्या हो सकता है? हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इनसिक्योरिटी है, अरे कितना है, मतलब कितना आंसर सही है, कितना परसेंटेज है 100 में से? 100 तक तो नहीं आ रहा। इनसिक्योरिटी है 60-80%, ठीक है, अभी तक राइट इमोशंस तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक।